यही राम राज है, यही महिला हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। चार साल में नया खून और पांच साल में क्या पुराना खून हो जाएगा? अगर देश सुरक्षित रहता तो ये प्रदर्शन करने का कोई जरूरत नहीं होता। कि भूखे भोजन ना हो है गोपाला, अगर हमारे पेट में भोजन रहेगा तब तो हम मंदिर में जाएंगे। बार 400 के पास, अब की बार 40 में भी सिलेंडर का दाम बढ़ा था तो गैस सिलेंडर को 100 रुपए लेके हिल रही थी, आज 1000 पार हो गया। पहन बोलती है स्मृति रानी कहाँ चली गई? आप लोग मोदी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मोदी को हम लोग बदनाम नहीं कर रहे, वो अपने खुद से हो रहे हैं बदनाम। और देश में सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है। ये भाजपा सरकार जो काम कर रही है वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए कर रही है और कुछ नहीं कर रही। मोदी जी की बात कर रहे हैं, आने वाले 2024 में पत्ता साफ है, चमन में फूल, हाथों में गुलदान रहने दो, मंदिर में भजन और मस्जिद में आजान रहने दो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां तमाम लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं यहां पर और साफ तौर पर सरकार के खिलाफ जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ तमाम लोगों से मौजूद जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। ये बताइए, जनता कह रही है कि देश सबसे ज़्यादा सुरक्षित हाथों में है और आप मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मैडम देश अगर सुरक्षित होता तो जो दुनिया का सबसे घिनौना और मानवता का शर्मसार करने वाला घटना जो मणिपुर में आपने देखा कि किस तरह से आदिवासी बहनों को उनको नोचा जा रहा है और उनको नांगा करके परेड कराया जा रहा है और सरकार उन पर कोई कदम नहीं उठा रही है और वहाँ बीजेपी की सरकार है, यही देश सुरक्षित है? नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा दिल दुखी है, हम कार्रवाई करेंगे। उनका दिल दुखी रहता तो वहाँ का तत्काल मुख्यमंत्री को इस्तीफा, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता। लेकिन उनका दिल कहाँ, वो तो उनका दिखावा है, वो तो झूठ का दिखावा है। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं वो, महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। है उन्हीं का एक नेता कंझावला दिल्ली में 3 किलोमीटर तक एक महिला को घसीट कर कार में मारने का काम किया, वही महिला सुरक्षित है? आज दिन पर दिन दलित आदिवासी मुस्लिम बहनों को किस तरह से घिनौना काम किया जा रहा है, सरकार कहाँ उन पर कोई कठोर किया जा रहा है? उनका विधायक कुलदीप सिंगर देखा आपने किस तरह से महिला को हत्या किया, मतलब अपहरण कर उसके परिवार को हत्या किया। आपने देखा हाथरस कांड में अगर कोई भी मरता है किसी धर्म में तो उनको परिजन अपना विधि अनुसार उसको अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और हाथरस में जो घटना हुआ सुनीता वाल्मीकि का, मेरी बहन की जो हम दलित समाज से हैं, उनको आपने देखा कि उनको उनकी माँ तक देखने नहीं दिया गया? यही राम राज है, यही महिला हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। और अगर देश सुरक्षित रहता तो ये प्रदर्शन करने का कोई जरूरत नहीं होता। आप लोग मोदी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मोदी को हम लोग बदनाम नहीं कर रहे, वो अपने खुद से हो रहे हैं बदनाम। 2400 घंटा काम करने वाला आदमी है। अरे कहाँ काम, अगर काम करते तो मणिपुर में वो तुरंत कार्रवाई करते, अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? विदेश में गए थे और विदेश जाकर देश की ख्याति बढ़ा रहे थे। अरे यहाँ पर राम राज कर रहे हैं, वहाँ जाकर बोल रहे हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, यही वो कर रहे हैं, यहाँ पर राम राज सिर्फ कर रहे हैं। हाँ। उधर जाते हैं विदेश में तो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं, आ इधर आते हैं भारत में यहाँ जूत पूरा फैला दिए हैं मोदी जी। हाँ। वो मणिपुर में लंगे घुराया गया लेडीज को। विदेश नीति स्ट्रांग हो रही है, विदेश से रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? इंडिया तो पहले सुरक्षित करें, भारत तो सुरक्षित करें पहले मोदी जी, तो ना विदेश जाएंगे। विदेश भारत तो सुरक्षित हाथों में है ही। कौन कह रहा है कि सुरक्षित हाथों में? मोदी सबसे सुरक्षित हाथ है। ये मोदी ये झूठ बोल रहे हैं सभी जुमला। आपको लगता होगा मैडम, हमको नहीं लगता है, ये आम जनता को नहीं लग रहा है, आपको लगता होगा, ये गोदी मीडिया का लगता होगा। आप हमको नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? अरे हमको कहाँ लगता, तो ये प्रदर्शन नहीं हम लोग करते? हम लोगों को कोई शौक है कि हम बक्सर से, बिहार से, गोपालगंज से कोई यहाँ आए? हम लोगों का क्यों आएंगे हम लोगों? आज देश सबसे खतरनाक दौर में गुजर रहा है
और देश में सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है और इस सांप्रदायिकता को जहर से हम लोगों को इसको मोदी सरकार को गलत नीतियों के बारे में हम लोग जन जन तक जागरूक करेंगे। आने वाले 2024 का चुनाव में इनको सत्ता से बाहर करके ही दम लेंगे। महिलाओं के हित में मोदी ने काम किया, 3 तलाक हटा दिए, 370 हटा दिया। हमने कहा कि 3 तलाक आपने हटा दिया, अपने पार्टी में कितना मुस्लिम महिलाओं को अपने विधान चुनाव में टिकट दिया, कितना आपके पार्टी में महिला सांसद, ये भाजपा सरकार जो काम कर रही है हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। हिंदुओं को संरक्षण दे रही है, कहाँ दे रही है? हिंदू जो है खुशहाल है भाजपा की सरकार में, हिंदुत्व को बढ़ावा मिल रहा है। गोदी मीडिया को लगता है और वो भाजपाई लोगों को लगता है, आम जनता को नहीं लगता है। आम जनता को चाहिए रोजगार। आप ये बताइए पहले कि भारतीय जनता पार्टी का आप समर्थन करते हैं, आप कह रहे महिला सुरक्षित है, आपके अनुसार आप रिपोर्टिंग करते हैं, आप बताइए कि महिला हिंदुस्तान के अंदर में वर्तमान समय में सुरक्षित है? योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं बहनें जो है सोने के गहने से लद कर भी जाएंगी बाहर तो कोई नहीं छुएगा, इतना सुरक्षित है। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में निवस्त्र करके जो महिलाओं को घुमाया गया, नरेंद्र मोदी जी एक्शन लिए हैं वहाँ जा करके। हाँ, एक महिला को खुलेआम वस्त्र करके घुमाया गया और भारतीय जनता पार्टी समर्पित सरकार है वहाँ, और वो विदेश में जाकर कह रहे हैं मोदी जी का डंका बज रहा है और विदेश सब मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। वीडियो नहीं देखा है फिर, इसका मतलब आपने वहाँ का रिपोर्टिंग नहीं किया। एक बार मणिपुर में जाकर देखिए कि वहाँ हिंसा किस प्रकार हो रही है। वहाँ तमाम प्रवक्ता आते हैं कहते हैं कि हमारे ही राज्य में पहली बार थोड़ी हुआ है, पहले भी हुआ था। कब हुआ आप ही बता दीजिए, हमको तो मालूम नहीं, हम तो कभी बंगाल में चल दंगा चल रहा है, राजस्थान में सुरक्षित छोड़िए, वहाँ एक मिनट में महिलाओं को निवस्त्र करके बंगाल में कब घुमा गया आप बताइए हमको, बताइए ना कब घुमाया, आपको पता होगा अगर आप बोल रहे हैं तो आप बताएं कब घुमाया। ईरानी का सुना अपने संसद में कैसे वही स्मृति ईरानी है, जब लोकसभा 2014 से पहले गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा था तो गैस सिलेंडर को 100 रुपए लेके हिल रही थी, आज 1000 पार हो गया, आप कहा बोलती है स्मृति ईरानी, कहाँ चली गई? और नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, आने वाले 2024 में पत्ता साफ है, जिस तरीके से आवाज आत उड़ रहे हैं तो जनता उसको जो उसी तरीके से फुर्र से उड़ा देंगे, नहीं चलेगी सरकार। आप दक्षिण भारत का पट लीजिए, अभी क्या वहाँ कितनी सरकार है, आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार है, तमिलनाडु में किसकी सरकार है, तेलंगाना में किसकी सरकार है, आप देखिए। तो राहुल गांधी ने जाके मणिपुर में दंगा भड़का दिया। ये राहुल गांधी कौन है? आप घूम फिर करके आते राहुल गांधी कौन है? बात मोदी जी की कीजिए, युवाओं को बोला गया था प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का, रोजगार दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? स्मार्ट सिटी प्रत्येक भाई बता तो रहे हैं कि पकौड़े बेची है और चाय बेची है, रोजगार है वो सब। हाँ वही हो गया कि हम मास्टर्स कर रहे हैं और ग्रेजुएट होकर के PhD सब करके जो है ना पकौड़ा बेचे, आज इनको लिखने पढ़ने ना हो जाके सत्ता में बैठ के मलाई खाए। और आप जैसी पत्रकारिता मोहतरमा अगर हो तो फिर तो जयकारी है। नरेंद्र मोदी इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री का इंटरव्यू हुआ हो और उनसे सवाल किया हो गया हो कि मोदी जी आप वायलेट रखते हैं कैसा लगता है। अरे उनसे सवाल कीजिए कि देश को रोजगार कब दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार कब दे रहे हैं, वैकेंसी कब रहा है? कभी आप निजीकरण कर रहे हैं, कभी रेलवे को निजीकरण में जाते हैं, कभी आप 4 साल का युद्ध वीर कर देते हैं, योजना वीर कर देते हैं। अग्निवीर, अरे हमको उस वीर से कुछ लेना ही नहीं, अग्निवीर 4 साल में जो ट्रेनिंग में 1 साल चला जाएगा, 3 साल में वो योजना मतलब जाके उसको नया खून चाहिए और बाकी जो है क्या पुराना खून है? युवाओं में ज्यादा शक्ति है। 4 साल में नया खून और 5 साल में क्या पुराना खून हो जाएगा? पहले 80 साल के वो बुढ़ापा वो बाबू वीर कुंवर सिंह वो जो अंग्रेजों को मार दौड़ाए थे, आज के डेट में वो नया उनका पुराना खून था, उस टाइम भी नया खून था, आज भी नया खून है। दक्षिण भारत में किसकी सरकार है, बस हमको ये बताइए पहले, दक्षिण भारत में किसकी सरकार है आप बताइए? दक्षिण भारत में देखिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, केरल देख लीजिए, सब में मेजोरिटी ऑफ सीट की अगर हम बात करते हैं लोकसभा का तो उधर है। आप उत्तर भारत में देख लीजिए, बिहार में है या नहीं है, पश्चिम बंगाल में है या नहीं है, झारखंड से साफे है, जितना मेजोरिटी सीट वहाँ साफे है, दिल्ली में केजरीवाल छाया हुआ, पंजाब में वो है या नहीं है, और झुट्ठो का जो है ना केंद्र में है, केंद्र में पहले से है ना, 19 में है ना,
आज 24 की बात कीजिए ना, पत्ता साफ है। अरे फिर आएंगे, तीसरी बार फिर आएंगे। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एडवर्टाइजमेंट चलेगा और न्यूज वाले जो है ना मोदी 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 करेंगे, लेकिन आम जनता जो जो गरीब गुरबा है, आप जाकर के गांव में रिपोर्टिंग करके देखिए, ये जंतर मंतर में ये बड़की बड़की बिल्डिंग में रहने वाला से क्या पूछते हैं, जो गाँव में खेत में काम करते हैं उनसे पूछिए कि खाद का रेट सस्ता है कि महंगा है। स्कूल में नरेंद्र मोदी जी को आने के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ कि नहीं हुआ? 2014 में जो हमारे स्कूल का हालात था गांव के अंदर में, आज भी वही हालात स्कूल का है। कहां गया परिवर्तन, कहां गया सबका साथ सबका विकास? कह रहे हैं अब की बार 400 के पार, अब की बार 40 में भी लाचार। हाँ, अब की बार 40 में भी लाचार, कैसे कह दीजिएगा कि 400 पार? अभी देखिए ना, अभी कितना दल का गठबंधन बना है, कहते हैं नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ठीक है, और नरेंद्र मोदी के जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जरा बताएं कि बीजेपी का जो गठबंधन है NDA में कितना गठबंधन घुसा है, कौन बताएगा? 38 गठबंधन का सीना छोटा हो गया कि 38 लोग को जोड़ लिया, आपके अंदर ताकत नहीं है तो अकेला आकर लड़िए चुनाव, पता चल जाएगा कि 38 का समर्थन। वो जितना मोदी जी जितना राम राज कर रहे हैं उतना शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करते तो बहुत आगे जाते, मगर कुछ नहीं करवाई, ना कुछ करवाई कर रहे ना कुछ कर रहे हैं। जनता खुशहाल है, कह रहे हैं आएगा मोदी। कैसे आएगा, न रोजगार है न स्वास्थ्य है। पत्रकार तो ये आज तक इंडिया TV और TV9 भारत और भारतवर्ष लाएगा। EVM की वजह से आज आ सकता है, EVM की वजह से भी गड़बड़ी होती रहती है। हटा देगा ना तो मोदी जी सत्ता में कभी नहीं आएंगे। EVM जब तक है तो मोदी सत्ता में आ जाता है। EVM खत्म हो गया, जब खत्म हो जाएगा। UPA सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह का, इसी दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, यही स्मृति ईरानी जो है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को चुड़िया भेजने का काम किया, लेकिन आज जो हाथरस में कांड हुआ घिनौना, वो कहाँ स्मृति ईरानी जी है? और अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए, वो जानते हैं कि केवल हम स्मृति ईरानी को मंत्री बना देने से महिलाओं पर अत्याचार और उत्पीड़न कम नहीं हुआ है। जब से ये सत्ता में आए हैं तब से महिलाओं पर, दलित महिलाओं पर, मुस्लिम महिलाओं पर, आदिवासी बहनों पर दिन दोगुना रात चौगुना के हिसाब से जो अत्याचार बढ़ते जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर बनवाया ना? मंदिर में आप लोग इतना राम मंदिर करते हैं ना, उतने शोक शिक्षा पर आप लोग बात करते ना तो राम मंदिर नहीं करता, इंडिया बहुत हाई लेवल पे जाता। एक कहावत है कि भूखे भोजन ना हुई है गोपाला, अगर हमारे पेट में भोजन रहेगा तब तो हम मंदिर में जाएंगे पूजा करने, मस्जिदों में अजान करने जाएंगे, चर्चों में प्रार्थना करने जाएंगे। आज इन्होंने मेन समस्या है बेरोजगारी का, भुखमरी का, गरीबी का, गिरते हुए शिक्षा को बचाने के हम लोगों ने निरंतर प्रयास जारी है। क्या कहेंगे अयोध्या में जो है राम मंदिर आ गया वापस और मस्जिद हट गया, राम मंदिर आ गया, लोग खुश है इस बात से? भूख लगेगा तो मंदिर काम आएगा, मस्जिद काम आएगा। मेरा एक ही कहना, सुनिए गौर से सुनिएगा, ये मंदिर और मस्जिद में जो उलझा करके लोगों को रख रखा है, इससे देश का भलाई नहीं होगा। मैं एक ही बात कहता हूँ कि चमन में फूल हाथों में गुलदान रहने दो, मंदिर में भजन और मस्जिद में आजान रहने दो, और मत बांटो मुझे हिंदू और मुसलमानों के बीच, थमा दो मेरे हाथ में तिरंगा, हमें हमारे प्यारे हिंदुस्तान में रहने दो। हमें मंदिर और मस्जिद से नहीं, हमें ये कहिए कि बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में या फिर उत्तर प्रदेश में जो कॉलेज है वहाँ लैब है, इससे बात कीजिए, वहाँ शिक्षा व्यवस्था है, प्रोफेसर है, पढ़ाई करता है, इसकी बात कीजिए। रोजगार कितना दे रहे हैं आप, आए डेवलपमेंट का काम कितना कर रहे हैं, आए लोगों को सुविधाएं कितना दे रहे हैं, इसकी बात कीजिए। ये मंदिर मस्जिद और कब्रिस्तान शमशान हिंदुस्तान यादव 10 लाख रोजगार देने का बात किए थे, उनसे पूछे दे तो रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? वैकेंसी पे वैकेंसी आ रहा है। अभी टीचर देखिए 1,72,000 समथिंग टीचर का बहाली निकाल दिए, आए क्या चाहिए? नरेंद्र मोदी जो कहे थे कि 19 लाख वैकेंसी आएगा, 19 लाख रोजगार कहाँ चला गया? कहे थे 19 को लौकी नहीं है तो 19 लाख तो बात है। एक मिनट साथी, एक कहावत है कि इनका एक असल मुद्दा पर एक मैं सर बोलना चाहता हूँ, राम के नाम पर कत्लेआम, भगत सिंह का देश गुलाम,
खेती चौपट रोजगार ध्वस्त, मोदी शाह मस्त मस्त, ये मस्त मस्त वाहन चलने वाला नहीं है, इनको जनता समझ चुके हैं और इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम 24 में जाएंगे एकदम पक्का जाना है, इनको निशानाबूद करने का हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो सुना आपने आम जनता की राय है, ये दूर दूर से चलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं और साफ तौर पर इन्होंने अपना मन बना लिया है कि अब जो मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उससे ये परेशान हो चुके हैं और अब मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।